जब प्रकृति का अनुपम उपहार है, विभिन्न स्रोतों पृथ्वी से जो विभिन्न स्रोत है और संसाधन के रूप में जिसका मानव उपयोग कर रहा है, उसमें जल और हवा दो महत्वपूर्ण स्रोत हैं। जल के बाद हवा है, हवा के बाद जल का ही स्थान होता है। जल एवं जीव, वैज्ञानिकों का मानना है कि अति प्राचीन काल से इस वायु में, इस पृथ्वी पर जो जीव का विकास हुआ, वो जल से ही पृथ्वी की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है। उदाहरण स्वरूप हाइड्रावर अमीबा जो प्रथम जलीय प्राणी और संभवतः यही से जल से ही पृथ्वी की ओर जीव का गमन होता है। जल एवं पृथ्वी, पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है। इसको नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं कि क्योंकि इसका अधिकांश भाग जो है जल आच्छादित है। और जैसा कि ये फ्लो चार्ट बता रहा है कि 71% पृथ्वी का भूभाग जो है जल आच्छादित है, मात्र 29% पर ही लैंड है, दैट इज भूभाग है, और इस भूभाग में वन पहाड़ आदि भी इंक्लूडेड है। जीव का विकास जल से पृथ्वी की ओर, जैसा कि मैंने बताया, जल की भौतिक अवस्था ये तीन अवस्थाओं में उपलब्ध है इस पृथ्वी पर, ठोस, द्रव और गैस। ठोस अवस्था में ये बर्फ के रूप में ही नद में पाया जाता है, द्रव पानी के रूप में सागर, नदी, झील और भौमजल तथा बरसात के जल के रूप में उपलब्ध है। पृथ्वी पर जल की मात्रा संतुलित रहती है जल चक्र के द्वारा, और गैसीय अवस्था में यह वातावरण में वाष्प के रूप में उपलब्ध है, जो वातावरण के तापक्रम को भी नियंत्रित करता है। जल असाधारण व्यवहार प्रदर्शित करता है। ठोस अवस्था में जैसा कि हम जानते हैं कि ठोस का घनत्व द्रव से अधिक होता है, लेकिन यह एक अनोखापन देखा जाता है बर्फ में कि यह पानी पर तैरता हुआ जल पड़ता है। इसका मुख्य कारण कि बर्फ का घनत्व जल से कम होता है, इसका 8/9 भाग पानी के अंदर डूबा रहता है, जबकि 1/9 भाग पानी के ऊपर रहता है। तो यह एक अनोखा व्यवहार है, और ध्रुवीय प्रदेश के अनोखा व्यवहार का फायदा, लाभ यह है कि ध्रुवीय प्रदेश में जलीय प्राणी जो है बर्फ आच्छादित हो जाने के बावजूद भी वो अपने जीवन रक्षण की प्रणाली को क्रियाशील बनाए रखते हैं। जल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है, और यह विशिष्ट ऊष्मा हमारे आम जीवन में फायदा मंद साबित होता हुआ दिख पड़ता है कि गाड़ियों के इंजन को जल्दी गर्म होने से बचाने के लिए हम रेगा वाटर में जल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जल अपनी विशिष्ट ऊष्मा के कारण देर से गर्म होता है और देर से ठंडा भी होता है। तो इसको दोनों रूपों में उपयोग करते हैं, जैसे किसी रोगी को पानी से सेक करने का की जरूरत हो, तो वैसे परिस्थिति में प्लास्टिक ब्लैडर वगैरह में या प्लास्टिक बैग वगैरह में पानी को रखकर हम उसकी सेकाई करते हैं। तो यह जल के, जल का जो अनोखा व्यवहार है वह हमारे लिए एक और उसका है कि जल का अनोखा व्यवहार उसका द्रवणांक और गमनांक भी 0°C है, यह भी अनोखा है। जल हमारे सामने एक गोलक के रूप में है, यह सार्वभौमिक गोलक इसको मानते हैं, क्योंकि
या अनेक काल्पनिक और अकाल्पनिक पदार्थों को बुलाता है, जबकि यह विशेषता अनेक भूलक है, लेकिन सभी भूलक इतनी परिवार में इतनी संख्या में पदार्थों को नहीं भुलाते जितना कि जल भुलाता है, और यह इसकी यह विशेषता इसके अणुओं की रचना के कारण है। जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ पदार्थ है। हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन के एक परमाणु जुड़े होते हैं कोवैलेंसी के द्वारा, और अणु के बीच में यह हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। यह हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, कमजोर बंधन होता है, जिसकी वजह से यह जल अपने अंदर अनेक मूल्य पदार्थों को भुला देता है। जल की उपयोगिता हमारे दैनिक जीवन में, जब हम सुबह जगते हैं और रात्रि में सोने जाते हैं, तमाम समय में ये जल की जरूरत पड़ती है। कृषि के क्षेत्र में भी जल की उपयोगिता स्वतः सिद्ध है कि सिंचाई के बगैर उत्पादन, कृषि उत्पादन की गतिविधि ठप कर जाती है। विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में आज हमारे हिंदुस्तान का करीब करीब 20-25% बिजली की आपूर्ति विद्युत ऊर्जा से ही, जल विद्युत से ही होती है, और ये तापक्रम को नियंत्रित भी करता है। वायुमंडल के तापक्रम को नियंत्रित करने में भी जल की अहम भूमिका होती है। जल की उपयोगिता हम उस समय अनुभव करते हैं जब हम कहीं यात्रा कर रहे हो, या खास करके मरुस्थल के क्षेत्रों के लोगों को जल की उपयोगिता या जल की जरूरत समझ में आती है। हम अगर वहां रहे तो महसूस कर सकते हैं कि जल जीवन के लिए कितना उपयोगी है। तो जल की उपयोगिता को हम किसी भी स्थिति में नकार नहीं सकते, और जल हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है, इसका संरक्षण भी जरूरी है। उपयोगी पदार्थ होने के बावजूद आज हमारी मानवीय गतिविधि यात्रा खराब इस कदर हो गई है कि हम जल का शोषण कर रहे हैं और शोषण नहीं, अनियंत्रित दोहन कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जल प्रदूषण की समस्या से हमें रूबरू होना पड़ रहा है, और जल एक गंभीर समस्या के रूप में मानवीय जीवन के लिए चुनौती दे रहा है। जल के प्रदूषित होने के कारण, जैसे आज सुबह सुबह हम लोग ये टाटा फंडामेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के विशेष वैज्ञानिक डॉक्टर विजय सिंह और कृष्ण कुमार मिश्रा जी के साथ जाने का मौका मिला संगम में, तो संगम पर हम लोग हमने देखा अपना हमारा जो अवलोकन हुआ कि चारों तरफ पानी में गंदगी और उसके चारों तरफ गंदगी का साम्राज्य देखने को मिला। फिर हम लोगों ने नौका विहार भी वहां किया कि नाव पर चलकर वहां शुद्ध पानी में संगम पर स्नान किया जाए, लेकिन वहां भी स्थिति कोई अच्छी नहीं देखी गई। तो आज हमारे विभिन्न क्रियाकलापों के द्वारा जल चतुर्दिक प्रदूषित हो रहा है, और ये प्रदूषण फैलाने वाले जो मेन क्रियाकलाप है, मानवीय क्रियाकलाप, जैसे हम मलमूत्र का परित्याग करते हैं या जो बेकार की चीजें हैं उसको हम उसी में प्रवाहित करते हैं, उद्योगों से निकलने वाले जो विषैले रसायन हैं उसको भी इसी तरह से हम प्रवाहित कर रहे हैं जल में, और फिर नाभिकीय विखंडन से उत्सर्जित रेडियो धर्मी पदार्थों का उत्सर्जन भी हम तरले से जल में कर रहे हैं, जो जलीय जीवन के लिए एक गंभीर समस्या के रूप में उपस्थित हुआ है। वनों की कटाई में जल प्रदूषण के में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है, क्योंकि जंगल जल को नियंत्रित करते हैं और जंगल से ही वर्षा होती है, वर्षा का जल ही जल का मुख्य स्रोत है। तो ये सारे जल प्रदूषण के कारण हैं। भारत के कुछ राज्यों में
जल प्रदूषण के मुख्य कारण आर्सेनिक और मरकरी जैसे भारी तत्वों या रसायनों का मिलना, जो कि मतलब डिकम्पोज नहीं होते, विघटित नहीं होते आसानी से, और उनकी वजह से खास करके बंगाल बिहार और उड़ीसा नदी आप से बिहार का रहने वाला हूँ, बिहार के उत्तरी और पूर्वी बिहार के क्षेत्रों में आर्सेनिक की गंभीर समस्या उत्पन्न हुई है, जो संपूर्ण मानवता के लिए खतरनाक साबित हुआ, और न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए यह है बल्कि भविष्य के लिए भी यह आर्सेनिक जो है संकट के रूप में जल में मिला हुआ है, और आने वाली मानवता भी इससे प्रभावित होगी। अतः हमें जल बचाना चाहिए और जल बचाना हमारा कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य है, पुनीत कर्तव्य है। जल संरक्षण के उपाय जैसा कि प्राचीन काल से ही हमारे भारत में खास करके जल संरक्षण की विभिन्न विधियां अपनाई जाती रही हैं। राजस्थान के बर्वस्थल क्षेत्र, गुजरात के क्षेत्र, और मैं जिस पुण्य भूमि पर खड़ा हूं वहां भी इतिहास यह बताता है, जिसे इलाहाबाद आज का कौशाम्बी के नाम से भी हम इसको जानते हैं, प्रथम सदी पूर्व जल संग्रहण क्षेत्र विभिन्न इलाहाबाद के क्षेत्रों में पाए गए हैं खुदाई के परिणाम स्वरूप, जिसको हम लोग अंडरग्राउंड वाटर या भौम जल के जल संग्रहण की बात कह सकते हैं। और दूसरा एक तरीका जो रहा राजस्थान के क्षेत्रों में वर्षा जल वर्षा छत जल संग्रहण, तो टैंक और टांका, टैंक को वहां टांका के नाम से भी जा आज भी वह प्राचीन विधि प्रचलित है, वर्षा के जल को उसमें एकत्रित कर लिया जाता था, और फिर जब तक फिर वर्षा का सीजन नहीं आ जाए तब तक उस जल का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों से हुआ करता था। एक जल के संरक्षण का तरीका और भी रहा कि अंदर भूमि के अंदर कमरे के अंदर जल टैंक बनाकर और उसमें संग्रहित किया जाता था, जिसके दो फायदे होते थे, एक तो जल मिलता ही था जरूरत की चीजों की पूर्ति के लिए, और गर्मी के दिनों में जो भारी गर्मी का माहौल होता था उससे भी निजात मिलता था, क्योंकि घर जो थे ठंड ठंड रहते थे, और बाहर तापक्रम का प्रभाव भीतर रहने वाले लोगों पर बहुत कम पड़ता। जब ये प्राचीन काल के तरीके हुए, अगर आदमी उन तरीकों को हम उपयोग में लाए तो जल की एक बहुत बड़ी राशि जिसका दुरुपयोग होता है वह दुरुपयोग होने से बच जाए। जंगलों की कटाई पर रोक लगाकर और नए जंगलों को विकसित करके भी हम जल संग्रहण कर सकते हैं, और बेकार पड़े कुएं को इस्तेमाल में लाकर खास करके ग्रामीण इलाकों में गांवों में आज कुएं बेकार पड़े हुए हैं, अगर उन कुओं को साफ किया जाए और उसके जल का प्रयोग लिया जाए तो बहुत हद तक जल संकट की समस्या से बचा जा सकता है। नदी घाटी योजनाओं को मूर्त रूप देकर बांध बनाकर हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बांध को भारत के मंदिर के नाम से विभूषित किया था। अगर बांधों को प्रॉपरली उसको अरेंज कर दिया जाए, व्यवस्थित कर दिया जाए, तो वर्षा के जल जो होते हैं वो जल होता है वो संग्रहित होगा और जल की जो कठिनाई है समस्या है उससे बचा जा सकता है। और अंततः जल ही जीवन है का नारा देकर लोगों में यह चेतना जगाकर कि जल के बिना हम नहीं रह सकते, हमारी जिंदगी हमारा जीवन खतरे में पड़ सकता है, इन उपायों के द्वारा इन प्रयासों के द्वारा जल संग्रह और जल का प्रबंधन हम ले सकते हैं। बस इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद।